तो दोस्तों कई बार आपको भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को या फिर सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, या फिर उसे आना पड़ा, या फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, एक तो आपको है जाना पड़ा और एक है जाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए जो जाना पड़ा है इसका मतलब है कि आपको पास्ट में जाना पड़ा, और जो दूसरा है जाना पड़ेगा इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा। अब देख लीजिए जो ये है जाना पड़ा, इसके लिए आपको यूज़ करना हैड टू का, और जो दूसरा है जाना पड़ेगा इसके लिए आपको यूज़ करना है विल हैव टू का। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसे और अच्छे से समझाता हूँ। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड टू गो देयर, इसका मतलब है कि मुझे पास्ट में वहाँ पर जाना पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि मुझे आने वाले समय में फ्यूचर में वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई विल हैव टू गो देयर। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मुझे खाना पड़ा और दूसरा है मुझे खाना पड़ेगा, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। थैंक यू।